तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि न्यू मेकअप ट्यूटोरियल, आज के मेकअप ट्यूटोरियल है नवरात्रि के ऊपर। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, हो सकता है ये वाली जो वीडियो है वो नवरात्रि के सेकंड डे पर भी आ सकती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं गई हुई थी मेरे मायके। जैसे कि आप मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हो, सो अगर नहीं देखते हो तो जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोज़ को भी चेक करो, रेगुलर भी व्लॉग आते रहते हैं इसलिए। तो अब आ जाते हैं हमारे मेकअप ट्यूटोरियल के ऊपर। लेट आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, अगर टाइम पर आ गया होगा तो आपको पक्का हेल्प ही कर रहा होगा, क्योंकि आप जब तैयार हो रहे होंगे तभी मुझे सर्च मारने के लिए बैठे होंगे, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो आज हम क्रिएट करेंगे नवरात्रि के ऊपर मेकअप ट्यूटोरियल। जो हम डांडिया खेलने जाते हैं उसके लिए बेस्ट से बेस्ट ग्लैमर लुक रेडी करेंगे, जो कि हमको सबसे ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा। और आप मेरा बैकग्राउंड भी देख सकते हो, आपने मेरे पहले अगर मेकअप ट्यूटोरियल देख रखे हैं, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपने देखा होगा कि मेरा पहले बैकग्राउंड अलग था। अभी मैंने पूरा मेरे स्टूडियो को रिनोवेट किया है, यानी मेरे बैकग्राउंड को चेंज किया है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, और नहीं भी लग रहा है तो भी बताओ कमेंट करके, और अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताओ। तो सब बातें अब साइड में रख के मेकअप के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फेस अच्छे से क्लीन करना है, और जो कि मेरा ऑलरेडी क्लीन है, अगर आपका नहीं है तो अच्छे से सीटीएम कर लेना है। सीटीएम की भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा, जो स्किन केयर का मैंने वीडियो बनाया है, और बेस्ट स्किन केयर भी मैंने उसमें आपको सजेस्ट कर रखा है। तो अब मैं मेरे फेस पर प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कलर बार का, और ये जो प्राइमर है इसके अंदर इल्यूमिनेटर भी मिक्स है, और इल्यूमिनेटर हमारे फेस को बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लुक देता है, क्योंकि हमको नवरात्रि में बिल्कुल बल्ब की तरह चमकना होता है ना, इसलिए। मेकअप ट्यूटोरियल तो चालू कर दिया, पर बालों को अच्छे से टाई नहीं किया। ये अच्छे से बालों को टाई कर देता है, ताकि ये जो हमारे थोड़े थोड़े बाल हैं ना, बेबी हेयर जो उठ के रहते हैं, वो पूरे भूरे भूरे ना हो जाए। फर्स्ट प्राइमर, प्राइमर भी ख़त्म होने आ गया, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। क्या है तो सही अंदर, अभी तक निकल के नहीं रहा। प्राइमर ख़त्म होने आ गया, तो हमने इसको खोल लिया है, और जो बचा कुचा प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा प्राइमर है, तो इस लुक को बहुत अच्छा बनाने वाला है ये, क्योंकि इसके अंदर इल्यूमिनेटर मिक्स है। हालांकि मैं इल्यूमिनेटर अलग से भी यूज़ कर सकती थी, पर साथ में है तो ये हमारे फेस पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। तो अब मैं मेरे जो भी ओपन पोर्सेज हैं वहाँ लगा रही हूँ, और ऑल ओवर पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो साथ ही साथ आपको हेल्प भी हो गई, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हो तो जुगाड़ करके कैसे निकाले, मेकअप ब्रश के बैक से निकाल सकते हैं। और मैंने साथ ही साथ लेंस भी वेयर किए, काजल लगाते हैं तो लेंस अच्छे लगते हैं, तो आप भी वेयर कर सकते हैं, ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं साथ साथ में। और अगर लहंगे का भी कलर अपना सेम हो गया तो लुक बिल्कुल सेम आप क्रिएट भी कर सकते हैं। हालांकि मैं लुक इसी टाइप का बताऊंगी कि आपको किसी भी लहंगे के ऊपर, कैसे भी कलर के ऊपर, ये वाला लुक परफेक्ट जाए। फेस पर अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर दिया है, अब आ जाती है फेस की करेक्शन की बारी, क्योंकि फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थोड़ी थोड़ी हो रखी है। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा थी, पर अभी थोड़ी सी कम हुई है। करेक्शन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन की सुप्रा पैलेट, और इसके अंदर से मैं शेड यूज़ कर रही हूँ FS29, जो कि मेरे फेस के कलर के एकदम एग्जैक्ट सेम है, तो मेरा जो फेस का अनइवन टोन है उसको परफेक्ट कर देगा। थोड़ा अंडर आए, मैंने कंसीलर की एकदम पतली लेयर मेरे फेस पर अप्लाई कर दी, एकदम पतली लेयर अप्लाई करनी है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। और अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बुर्जोइस पेरिस का, जो कि बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है, और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। बहुत अच्छा मुझे लगता है फाउंडेशन, और ये मेरी स्किन टोन को एकदम परफेक्ट मैच करता है। और मेरा जो स्किन टोन है वो, यानी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टोन है, कभी ऑयली भी रहता है, कभी ड्राई भी रहता है। अगर स्किन केयर अच्छे से होगा तो बैलेंस रहता है, पर कभी नहीं हुआ तो प्रॉब्लम के साथ बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है। अगर आप कोई इस टाइप का फाउंडेशन ढूंढ रहे हो तो बेस्ट फाउंडेशन है ये। अब थोड़ा थोड़ा लेके पूरे फेस पर अप्लाई कर दूंगी। नेक,
एंड ईयर एरिया मस्त है, स्किप नहीं करना है। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है, हमारा जो मेकअप है वो फाउंडेशन की अच्छी ब्लेंडिंग होगी, उसी से फ्लॉलेस लगने वाला है। अब आ जाती है फेस की कंसीलिंग की बारी। मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो का। ये कंसीलर मेरी स्किन टोन के 2 to 3 शेड ज़्यादा लाइट है। आपको जैसे कि मैंने मेरी वीडियोस में मैं बताती रहती हूँ, कंसीलर हमेशा लाइट शेड का यूज़ करें, 2 to 3 टोन लाइट, इससे भी ज़्यादा लाइट नहीं, क्योंकि फिर वो अजीब सा दिखेगा फेस पर। हाइलाइटनिंग के लिए बेस्ट रहता है। मैंने मेरे फेस का करेक्शन पहले कर दिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही ले रही हूँ। मैं छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा कंसीलर हमारी आईज़ की लीड पर भी लगा दें, ताकि ये जो कंसीलर हम लगा रहे हैं वो प्राइमिंग का काम करेगा और जो हमारे आई शेड्स के कलर हैं वो अच्छे से इनहेंस होके हमको दिखेंगे। अब आ जाती है फेस को अच्छे से सेट करने की बारी, जो कि हम करने वाले हैं कॉम्पैक्ट से। और कॉम्पैक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स। ये बहुत ही अच्छा स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट है। अगर आप कोई अच्छा सा कॉम्पैक्ट ढूंढ रहे हो उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। अब अच्छे से कंसीलर और फाउंडेशन को सेट कर देते हैं। आईलेट पर भी जो कंसीलर लगा है उसको भी अच्छे से सेट कर देते हैं, ताकि इसके अंदर क्रीजिंग ना आए। आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम जहाँ पर भी ज़्यादा होती है, जैसे कि नोज़ पर, अपर लिप्स पर, वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ज़्यादा लगाएं, ताकि अच्छे से फिक्स हो पाए हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो। और आज की वीडियो में मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ ये बताने वाली हूँ कि एकदम कम प्रोडक्ट के साथ मेकअप कैसे करें। अभी तक तो हमने सिर्फ कितने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, प्राइमर हो गया, फिर हमारा हो गया करेक्टर पैलेट मैंने यूज़ किया अच्छे से फेस को करेक्शन करने के लिए, फिर हमारा फाउंडेशन और कंसीलर और कॉम्पैक्ट, ये तो मेन रहता है बेस में। पर हमारा जो ऊपर का जो मेकअप होता है उसके लिए मैं आज आपको बहुत कम प्रोडक्ट के साथ मेकअप करना बताने वाली हूँ। आज मैं मेरे पूरे फेस मेकअप में एक ही पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, जो कि है ये ग्लेजर्ड ब्यूटी की पैलेट। हम इसी के अंदर से हमारा आई शेडो भी बनाने वाले हैं, हमारी आईब्रोज को भी फिल करने वाले हैं, एंड लिप्स को कॉन्टोर करेंगे, फेस को कॉन्टोर करेंगे, नोज़ को कॉन्टोर करेंगे, ब्लश, हाइलाइटर, सब कुछ हमारा इसी के अंदर से होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ उठा के नहीं ले जा सकते। अगर ऐसी कोई एक ही पैलेट हो उसके अंदर हमारा सारा काम हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारी आईब्रोज से। आईब्रोज को एक बार हम अच्छे से कॉम कर देंगे और ब्रश भी साथ साथ में कर देंगे, ताकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, फाउंडेशन गया हुआ है, वो थोड़ा हट जाए। ओनली फॉर हेयर को ही हमको अच्छे से कॉम करना है। अगर रगड़ रगड़ के करोगे तो जो फाउंडेशन लगा हुआ है, कंसीलर लगा हुआ है। इस पैलेट के अंदर से मैं ब्लैक शेड यूज़ करने वाली हूँ। ब्लैक शेड इसलिए क्योंकि मेरी जो आईब्रो है वो डार्क है, पर इतनी भी ज़्यादा डार्क नहीं है, तो थोड़ा ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स करके मैं मेरी आईब्रोज को फिल करूँगी। ब्लैक के साथ मेरी आईब्रोज को फिल करने की शुरुआत कर रही हूँ मैं। एक बार जो भी प्रोडक्ट हमने ज़्यादा लिया है उसको अच्छे से डस्ट आउट करना है, हो सके तो थोड़ा टैप कर ले, ताकि हमारे जो आईब्रो है डायरेक्ट उसके ऊपर जाके बहुत ज़्यादा नहीं लग जाए, थोड़ा थोड़ा लगेगा ना। हमको मेकअप बिल्कुल कम प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करना है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ज़रूरत पड़े तो और ले लो, पर जो ज़्यादा लग गया ना उससे हमारा मेकअप डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। आई थिंक मुझे ब्राउन की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे ब्लैक शेड में ही अच्छे से मेरी आईब्रो है वो फिल हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है। अब इसको स्पूली की हेल्प से अच्छे से थोड़ा ब्रश कर दे, ताकि सेट हो जाए हमारी आईब्रो। दो शेड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही शेड से अच्छे से हमारी आईब्रो सेट हो गई। अब आ जाती है हमारे फेस की कॉन्टोर की बारी। आई शेडो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। कॉन्टोर में आप देख सकते हो बहुत सारे ब्राउन शेड्स हैं, बट मैं ये वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फेस एकदम, मुझे बहुत ज़्यादा हेवी कॉन्टोर नहीं करना है। हेवी कॉन्टोर सिर्फ मुझे यहाँ पर करना रहेगा, तो यहाँ पर मैं ये डार्क शेड यूज़ कर लूँगी, पर मुझे फेस पर थोड़ा लाइट कॉन्टोर चाहिए, तो अब फेस को मैं इसी शेड से अच्छे से कॉन्टोर कर लेती हूँ। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आप प्रोडक्ट लीजिए, थोड़ा सा डस्ट आउट कीजिए, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो उसको टैप कर दीजिए हाथ पे।
साथ ही साथ नोज़ को भी कॉन्ट्रोल कर दीजिए। फॉरहेड हमको उतना ही कॉन्ट्रोल करना है जितना कि हमारा नोज़ है। हमारा नोज़ अगर किसी ब्रश से हम अच्छे से मेजर कर ले तो इतना हमारा नोज़ है और जस्ट इतना हमारा फॉरहेड है। तो मेरा फॉरहेड ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है कि फॉरहेड हमारा बड़ा है, कैसे पता करें हमको कहाँ पर कॉन्ट्रोल करना चाहिए, तो बिल्कुल इजी ट्रिक यही है, आपके नोज़ का एक बार मेजरमेंट ले लीजिए। अगर नोज़ का मेजरमेंट आपका ये आ रहा है, जैसे कि आपको साइड में से दिखाऊं, इतना मेरा नोज़ है तो इतना मेरा फोरहेड रहना चाहिए। जो एक्स्ट्रा ऊपर रहता है उसको हमको कॉन्ट्रोल करने की ज़रूरत रहती है। तो मेरा कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ मुझे साइड में से थोड़ा सा कॉन्ट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा फोरहेड है वो थोड़ा ब्रॉड है, वो भी लाइट एकदम, यहाँ पर तो ज़रूरत रहेगी। अगर आपका जो ये डबल चिन है बहुत ज़्यादा निकला हुआ है मेरी तरह, हालांकि मेरा इतना नहीं है, जो है वो आप देख सकते हो, इसको मुझे हाइड करना है डार्क से डार्क कलर से। जो हमारे कॉन्ट्रोर्स में कलर्स होते हैं उसका जो डार्क कलर है वो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये पार्ट है वो आपका अंदर चला जाएगा, जो कि आपके फेस को एकदम स्लिमर लुक देगा। फेस हमने कितने अच्छे से कॉन्ट्रोर कर लिया, आप देख लीजिए कितना फेस स्लिम है और एकदम मस्त लुक आ गया है ना। अब आ जाती है हमारे फेस पर ब्लश की बारी। ब्लश आपको पता ही है, जैसे कि मुझे थोड़े डार्क और हेवी करना पसंद है, डार्क यानी थोड़ा पिंकी पिंकी, तो इसके अंदर से मैं शेड लेने वाली हूँ ब्लश का, ये वाला अच्छा लगेगा। ये नहीं नहीं ये यूज़ नहीं करते हैं आज, ब्लश का शेड यूज़ करते हैं एकदम पिच कलर, जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी किस टाइप का लगता है, देखते हैं। सेम प्रोसेस है, ज़्यादा भले ले लीजिए पर उसको अच्छे से डस्ट आउट कर दीजिए, हो सके तो टैप कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। और ब्लश हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। अब आप मेरे फेस पर देख सकते होंगे ब्लश थोड़ा ज़्यादा लग गया है, ज़्यादा इसलिए लगा है क्योंकि आई शेडो पैलेट फेस पैलेट से मुकाबले बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होती है, इसलिए मेरे फेस पर थोड़ा ब्लश ज़्यादा लग रहा है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा कॉम्पैक्ट लगाने वाला ब्रश था यानी पाउडर ब्रश जो था उसको अच्छे से फेस पर घुमा दो, कम हो जाएगा। अभी आप देखोगे जैसे कि बिल्कुल बैलेंस हो गया, आप देख सकते हो। जैसे कि अब आ जाती है फेस की हाइलाइटनिंग की बारी। अब हाइलाइटर इसके अंदर मुझे प्रॉपर मेरे शेड का नहीं मिलेगा, मुझे पता है। अब क्यों पता है, क्योंकि प्रॉपर जो फेस के हाइलाइटर होते हैं वो हमारे फेस के कलर के अकॉर्डिंग बने हुए रहते हैं। अब इसके अंदर शिमरी कलर्स हैं उनको हम हाइलाइटर बनाएंगे, जैसे कि पीच कलर है, गोल्डन कलर है। अब जो मेरे लहंगा है उसके अंदर वक्त सिल्वर गोल्डन दोनों मिक्स है, तो सिल्वर गोल्डन को हमको मिक्स करके हमारा हाइलाइटर बनाना है, ताकि वो फेस पर अच्छा लगे, न्यूट्रल लगे, बहुत ज़्यादा भड़काऊ ना दिखे। थोड़ा सा मैंने पहले सिल्वर कलर ले लिया है, डस्ट आउट कर दिया है, एक नंबर चीज है यार डस्ट आउट। और नवरात्रि है तो हमको भी बल्ब की तरह अच्छा चमकते धमकते रहना है। सिल्वर कलर पिच कलर से मैंने अच्छे से मेरे फेस को हाईलाइट कर दिया। अब थोड़ा गोल्डन कलर ले लेते हैं, अच्छे से डस्ट आउट, एंड वाओ बहुत ही अच्छा लुक आया, एकदम मस्त एक हाइलाइटर बन गया है। आप देख सकते हो फेस कितना अच्छे से हाइलाइट हुआ है, मस्त एकदम बल्ब की तरह जगमगाते फेस के साथ हम डांडिया खेलेंगे जाके। ओह मेरे लिप्स कॉन्ट्रोल करना अच्छे से रह गए, अच्छे से कॉन्ट्रोल कर देते हैं, ताकि जिनके लिप्स पतले पतले हैं ना वो अच्छे से बड़े बड़े दिखें। कैसे आपको अगर जानना है कॉन्ट्रोल कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। अब आ जाती है हमारे आई लीड्स की बारी। अब होगा हमारा आई मेकअप। आई मेकअप हम एकदम बेसिक सा रखेंगे, बेसिक से में क्या रखेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लुक जो है, ट्रेंडी लुक स्मोकी लुक है, जो कि ऑल ओवर सब पर अच्छा लगता है और नवरात्रि तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आज हम नवरात्रि के लिए मस्त स्मोकी आईज बनाने वाले हैं, और स्मोकी आईज में भी ब्लैक स्मोकी आईज नहीं बनाने वाली, मैं ब्राउन स्मोकी आईज बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत ज़्यादा इजी और जल्दी जल्दी हो जाए ऐसा बताऊंगी। इसके अंदर से ब्राउन शेड हमको ये वाला लेना है, ब्राउन शेड को हम एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करेंगे एक बार। और स्मोकी आईज बनाने का एकदम मूल मंत्र ये है, हमारे जो ब्लेंडिंग ब्रशेज हैं वो अच्छे से यूज़ करने हैं हमको,
मस्त लीड को अच्छे से ब्रॉन्ज करना है शानदार तरीके से। धीरे धीरे हमारे कलर को हमको बिल्ड करना है। कलर में मैंने सिर्फ ब्राउन कलर अभी यूज़ किया है, धीरे धीरे हमको कलर बढ़ाना है। अच्छा, मैंने डार्क कर लिया, अब इसको और डार्क करना है मुझे। थोड़ा और डार्क ब्राउन शेड यूज़ करें और लिड्स को लिड्स के ऊपर प्रॉपर लगा दें, और साथ ही इसको ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड भी करना है। इतनी शानदार लग रही है सिर्फ दो कलर से, और दो कलर मैंने अच्छे से ब्लेंड ही किए हैं, बाकी कोई भी ज़्यादा काम नहीं किया है इसके अंदर। अब मैं लगा दूँगी मेरी आईलाइनर। आईलाइनर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की, जो कि बहुत ही अच्छी आईलाइनर है, और ये जेल आईलाइनर है, और हमको इसके अंदर आँखें ही तो बहुत ज़्यादा अच्छी सुंदर बनानी है। तो आप देखोगे कितने कम और कितने ईजी वे में हम आँखों को इतना अच्छा कैसे बनाएंगे। मस्त एक पतला सा विंग ड्रॉ करना है, उसको मस्त गाइडलाइन बनानी है उसकी। विंग मैंने अच्छे से ड्रॉ करी और थोड़ी मोटी मोटी आईलाइनर लगाई है वो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा होगा, पर अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्राउन शेड की हेल्प से। साथ में ब्राउन शेड ले लें और इसको अच्छे से ब्लेंड करें। और साथ में क्या रहता है ना कि जेल आईलाइनर जो होती है हमारी, जेल आईलाइनर क्या होती है कि जैसे हमको थोड़ा सा स्वेटिंग हुआ या फिर थोड़ी सी गर्मी लगनी चालू हुई, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको फिक्स करना होता है हमको लिक्विड लाइनर से। अगर आप लिक्विड लाइनर यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसके ऊपर अगर आप ये ट्रिक अपना लोगे ना, तो आपका जो आईलाइनर है वो बिल्कुल भी बहेगा नहीं, क्योंकि पाउडर से हम उसको अच्छे से फिक्स कर रहे हैं, और पाउडर क्या है, आई शेड है, तो उससे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और ये हमारा थोड़ा स्मजी आईलाइनर तैयार हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमको क्या करना है, हमारी वाटर लाइन पर काजल लगा देनी है। काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ माय ग्लैम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी काजल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी काजल है, मस्त काजल है एकदम। मुझे अभी रिसेंटली मेरी एकदम फेवरेट हो चुकी है। थोड़ा सा लीड्स को ऐसे करें और फिर काजल लगाए। अगर आप मेरे जैसे लेंस वेयर कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुली लगाएं, क्योंकि लेंस के ऊपर लगते में क्या हालतें ख़राब होती हैं। हमको जो काजल है वो बहुत अच्छे तरीके से लगानी है, एकदम भर भर के, क्योंकि जो हमने लेंसेज लगाए हैं और जो हमारा आई मेकअप है उसका लुक काजल से ही आने वाला है। तो काजल मैंने अच्छे से लगा दी। अब काजल के नीचे थोड़ा सा स्मोकी लुक, क्योंकि मेन तो हमारा स्मोकी ही तो हमारे मेकअप का हीरो है। आई मेकअप हमारा एकदम मस्त हो चुका है। आपने अगर आई मेकअप करते हुए नहीं देखा है प्रॉपरली तो जाके जल्दी से देखो, बहुत इजी ट्रिक बताई है मैंने। तो अब आ जाती है हमारी मस्करा की बारी। मस्करा लगाने से पहले आईज़ की लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लेते हैं। आईज़ की लैशेस मस्त कर्ल हो गई है, अब मस्करा लगा देते हैं। मस्करा ओल्ड टाइम फेवरेट, शुगर का डबल डेट मस्करा। मस्करा हमारा लग चुका है, अब आ जाती है लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक लगाने से पहले अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज, ये तो मेन मूल मंत्र है हमारे मेकअप का, कि लिप्स अगर अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं होंगे तो एकदम ड्राई ड्राई कटे फटे दिखेंगे, मज़ा नहीं आएगा। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पर शुगर की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिए मैंने मेरे लिप्स, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की वंडर वुमन सीरीज़ की लिपस्टिक, जो कि बहुत अच्छी है, और इसका शेड है 08। बहुत मस्त डार्क शेड है, क्योंकि नवरात्रि लुक में डार्क शेड ही अच्छे लगते हैं। लिपस्टिक मैंने मस्त डार्क कलर की लगाई है, क्योंकि नवरात्रि में क्या डार्क कलर ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो लुक है वो थोड़ा हमको एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव बनाना होता है। तो लिप्स क्या हमारे डार्क होंगे तो हमारा जो फेस है और हमारा लुक है वो अट्रैक्टिव दिखता है। तो अब इस पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पर लॉरियल का यूज़ कर रही हूँ। मस्त सेटिंग स्प्रे लगा दिया है, और अब मैं रेडी हो जाती हूँ। साथ में लैशेज भी लगा देती हूँ, और इधर उधर थोड़ा सा
काठियावाड़ी लुक देने के लिए मस्त, हाँ तिल बना देती हूँ बहुत सारे मस्त। मैंने ये बना दिया है पूरा, मैंने इसलिए आपको बताया नहीं कहीं अच्छे से बने या ना बने, पर अच्छे से बन गया है। यहाँ पे मैंने स्टार करके बनाया, यहाँ पे ही बना दिया, यहाँ पे ही बना दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। आप देख सकते हो कैसा लगा आपको ये लुक। मुझे तो ये लुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है, आई होप आपको भी लगा होगा। और लगा है तो मस्ट ट्राई करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आती हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहते होंगे आई होप। अब यहीं पर कर देती हूँ मैं मेरी वीडियो का एंड। अगर आज की वीडियो को देखने के बाद अच्छी लग गई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से मेकअप ट्यूटोरियल में या फिर अच्छे से व्लॉग में।